हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इससे पहले वाले वीडियो में क्या करा था हमने, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, कुछ डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होगी वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर प्लेस्ड एट आर वेरी क्लोज टू इच अदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसमें बोल दी इक्वल, देखो दो चीज़ याद रखना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, टू इक्वल मतलब ये भी वन कूलम का, ये भी वन कूलम का, बाकी ये कौन सा है, प्लस का और ये माइनस का। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पे मैं रख दूँ तो पूरे जो सिस्टम को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूँगा। मतलब ये एक तरह से हाइपोथेटिकल आगे जो डेरिवेशन करने के लिए कुछ उनकी स्टडी है उस स्टडी को रिप्रेजेंट करेगा कि हमको ऐसी टर्मिनोलॉजी जहाँ पर दो चार्ज अगर रखे हो और कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तो उस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोल दूँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दूँगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ज़्यादा स्ट्रेंथ, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देखो, एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऐसा मैग्नीट्यूड है किसी भी डाइपोल का कि वो क्या रिप्रेजेंट करे, किसी एक चार्ज को अगर उसकी डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या चार्ज है, क्यू चार्ज। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दोनों की, 12। तो चार्ज इंटू जो डिस्टेंस करेंगे और जो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कूलम में, और 12 मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब टाइम मेजर करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगी यूनिट, कूलम मीटर। और इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो लेके चलेंगे वो कहाँ से लेके चलेंगे, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी, ये लेकर चलना है। ठीक है, ओके। और डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या होता है, जो क्यू है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 80, और डिस्टेंस है मतलब इसका क्या होगा, एल। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, m0 80 l, डायमेंशनल फार्मूला बन गया। तो बेसिकली दो टर्म है जो तुमको आगे जो डेरिवेशन आएंगे उसमें हेल्पफुल रहेगी, और ये एक तरह से हाइपोथेटिकल स्टडी है कि कौन सी टर्म को क्या बोलेंगे और कौन सी जो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं उसके डेरिवेशन एक्सियल और ब्रोटॉन पोजिशन पर जो बेस्ड रहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।